अगर मैं आपसे कहूं कि यार पेन कैसे दिखता है तो आप कहेंगे पेन ऐसा दिखता है। वही अगर मैं आपसे कहूं कि बादल क्लाउड कैसे दिखता है तो आप कहेंगे क्लाउड ऐसा दिखता है। अगर मैं आपसे कहूं कि पॉइंटर कैसे दिखता है तो आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि यार पॉइंटर एग्जैक्टली दिखते कैसे। तो पॉइंटर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट एक सिंप्लीफाइड वे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें मैं एक जिगजैग फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप कोई भी पॉइंटर का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि मेमोरी में पॉइंटर दिखता कैसे है। अगर मेरे वीडियो को पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते हैं। बहुत ही रिसर्च और क्रिएटिविटी लगती है डिज़ाइन करने में वीडियोज़ को, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है चैनल पर। तो गाइस शुरू करते हैं कि पॉइंटर्स इन सी किस तरीके से हम विजुअलाइज़ करें और इजीली प्रोग्राम्स को रन कर सकें। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें यह देखना होगा, सपोज़ आपके सामने ये लाइन दी हुई है कि इंटीजर ए इज़ इक्वल टू 10। ये हमें पता है कि इस तरीके से हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ करते हैं वेरिएबल्स को। अब जब भी हम ये लाइन लिखते हैं ना ए इज़ इक्वल टू 10, तो मेमोरी में कुछ होता है, राइट? तो ये जो 10 वैल्यू है ये कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होती होगी। जैसे हम मोबाइल में फ़ोटोज़ लेते हैं तो फ़ोटोज़ एक मेमोरी स्टोरेज में जाके स्टोर होते हैं, राइट? वैसे ही ये जो वेरिएबल ए है ये कहीं ना कहीं 10 की वैल्यू स्टोर कर रहा होगा, राइट? इस स्टेटमेंट को आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं, एक एड्रेस है उसके अंदर कोई ना कोई रह रहा है जिसको हम बोलेंगे 1। इस एड्रेस को मैं एक नेम दे देता हूँ जैसे कि 100। तो ए को मैंने एक एड्रेस दे दिया 100, 100 इसका एड्रेस हुआ और 1 इसकी वैल्यू हो गई। सिमिलरली एक बी एड्रेस भी है जिसको हमने वैल्यू दी है 104, ये एक एड्रेस है। इस एड्रेस पे अब क्या स्टोर है? इस पे अभी फ़िलहाल कुछ स्टोर नहीं किया हमने। ए पे ए का एड्रेस 100 है, उस पे हमने 1 स्टोर किया है। बी का एड्रेस 104 है, वहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं है। अब मैंने 100 से 104 डायरेक्ट क्यों ले लिया? इसके पीछे एक रीज़न है, इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेते हैं वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, इसीलिए 100 से वो 104 हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो 108 होगा। तो इस तरीके से 4-4 के ब्लॉक्स में वो मेमोरी स्टोर होती है। अगर वो फ्लोट वेरिएबल होता तो उसमें अलग वैल्यू स्टोर होती। जैसे डबल वेरिएबल में 8 बाइट्स हो गए तो 8-8 बाइट्स का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे फर्स्ट एड्रेस 100 है तो सेकेंड एड्रेस 108 हो जाएगा। सो जब भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, तो इस तरीके से एक डायग्राम क्रिएट हो जाता है जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि वैल्यूज इस तरीके से कुछ दिखती है, ठीक है? अब हमने क्या किया, जो बी है ना इसमें हमने 100 स्टोर कर दिया। अब अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो आपको कुछ कनेक्शन दिख रहा होगा। बी में है ना मैंने ए का एड्रेस स्टोर कर दिया, ए का एड्रेस 100 था वो मैंने बी में स्टोर, तो आपको एक कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा कि बी और ए में कुछ ना कुछ लिंक है, ठीक है? अब हमें है ना स्टार बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो जब भी पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको स्टार ज़रूर दिखेगा, क्योंकि स्टार ही वो चीज़ है जिसको पॉइंटर बोला जाता है, ठीक है? अब जब भी आपके सामने स्टार दिख रहे हैं, अभी कितने भी रहते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक है तो मैं हमेशा स्टार को जिगजैग फैशन में देखता हूँ, ठीक है? अब हमें है ना स्टार बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे सामने जो डायग्राम थी कि ए के अंदर 1 स्टोर है, बी के अंदर 100 स्टोर है। अब हमें स्टार बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 स्टार है तो एक बार जिगजैग करेंगे। तो बी के अंदर क्या है, 100 ए पे, ए की वैल्यू 1। तो मैंने एक जिगजैग पैटर्न क्रिएट किया, यहाँ पे 1 इसका आउटपुट हुआ, तो स्टार बी की वैल्यू हो गई हमारी 1। सिमिलरली अब इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। अब ए के अंदर हमारा 1 हो गया, बी के अंदर हमारा 100 हो गया और सी के अंदर हमारा हो गया 104। तो आप देख सक रहे होंगे एक कनेक्शन बना हुआ है वेरिएबल्स में कि बी के अंदर 100 है, 100 है ए का एड्रेस, और सी के अंदर है 104 और 104 है बी का एड्रेस। अब इसका इस कनेक्शन के थ्रू हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पॉइंटर्स का। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया फिर से वही कि स्टार बी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे 1 स्टार है तो हम एक बार जिगजैग करेंगे। तो जिगजैग कैसे होगा, बी का हमें वैल्यू निकालना है तो बी से स्टार्ट करेंगे। बी के अंदर क्या है, 100 के अंदर ए, ए के अंदर 1। तो एक जिगजैग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ, बी के अंदर 100 100 100 100 100 1। तो ऐसे हम निकालेंगे बी की वैल्यू 1। तो हमारा आउटपुट हो गया यहाँ पे स्टार बी की वैल्यू हो गई 1। अब हमें निकालना है स्टार सी की वैल्यू। अब स्टार सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 स्टार है तो एक बार जिगजैग करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, जिगजैग सी से। सी के अंदर क्या स्टोर है, 104 बी पे आएगा, बी पे
100 स्टोर है, तो स्टार सी की वैल्यू क्या हो गई, 100। अब ये जो एड्रेस है ना 100, ये कुछ भी हो सकता है, ये कंप्यूटर असाइन करता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए 100 स्टोर किया है 104 108, पर कंप्यूटर यहाँ पे बहुत बड़े नंबर्स भी स्टोर कर सकता है 8 बिट्स में। तो डिपेंड्स कंप्यूटर क्या नंबर वहाँ पे प्रोवाइड करता है, पर हम उसे हमेशा 100 और 104 की लैंग्वेज में ही देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि स्टार स्टार सी क्या होता है। अब यहाँ पे दो स्टार लगे हैं, तो अब कितने बार जिगजैग होगा, दो बार। कहाँ से शुरू होगा, सी से। यहाँ पे सी पे 104, 104 से फिर वो बी पे क्या, 100, 100 से एक और जिगजैग, 100 से 1। तो इस तरीके से 1 हमारा हुआ आउटपुट, स्टार सी सी की वैल्यू हो गई हमारी 1। अब अगर ट्रिपल स्टार सी आ गया तो फिर क्या करेंगे, तीन बार जिगजैग, कहाँ से शुरू, तो इस तरीके से होगा, सी से पहले 104, 104 से 100, फिर एक और जिगजैग करेंगे 100 से 1, 1 से एक जिगजैग करेंगे जो कहीं पे भी पॉइंट नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसे पॉइंटर्स को बोला जाता है नल पॉइंटर, और टेक्निकल टर्म्स में इसे डैंगलिंग पॉइंटर भी एक वर्ड दिया गया है। तो आप नल पॉइंटर और डैंगलिंग पॉइंटर दोनों वर्ड्स याद रख सकते हैं, जो जिसका मतलब ये है जो कहीं पे भी पॉइंट नहीं करता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ट्रिपल स्टार सी में वो ऊपर कुछ है ही नहीं, एक है, तो वो पॉइंट कहाँ करेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है नल पॉइंटर का। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे, इसको सी प्रोग्राम में देखते हैं कि कैसे दिखते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे ए की वैल्यू 10 हमने लिया, तो एक मेमोरी में बॉक्स बन गया, ए के अंदर 10 आ गया, ए का एड्रेस 100 हो गया, ठीक है। अब स्टार बी है और स्टार स्टार सी है। अब बी के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए। तो बी के अंदर हमने क्या किया, 100 स्टोर कर दिया, और सी के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ बी। तो सी के अंदर मैंने 104 स्टोर कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछे स्टार स्टार सी, तो दो स्टार है तो दो जिगजैग हो गए। तो शुरू कहाँ से होगा, सी से। तो 104 से स्टार्ट करेंगे, मतलब सी से, सी के अंदर क्या है, 104, 104 पे बी है, बी से फिर 100, तो ये एक जिगजैग कंप्लीट हुआ। एक और जिगजैग लगेगा, 100 से ए आया, ए से 1, तो 1 इसका हो गया आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे यू है, इसको बोलते हैं अनसाइंड इंटीजर। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसमें नेगेटिव वैल्यूज अलाउ नहीं है, क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन है ना, वो अलाउ नहीं करेगा। अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, तो इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है, कार्ड में मैंने लिंक ड्रॉप कर दिए, आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में, उसमें हर फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में इजीली बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेनेशन दिया है, तो चेक जरूर करें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये हमारा आउटपुट हो गया 1। इसको मैं विजुअल स्टूडियो में भी आपको एक बार रन करके बता देता हूँ, कि आपको सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसी प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि कैसे वो आउटपुट शो करता है, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब जैसे ये ए की वैल्यू 10 हुई, तो हमारे माइंड में एक बॉक्स बन गया, जैसे कि मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया है आपको, यहाँ पे एक 10 स्टोर हो गया, ठीक है। सिमिलरली स्टार बी है और स्टार स्टार सी है, तो दो वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर हो गए, स्टार बी और स्टार सी। अब बी के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए को मैं 100 असाइन कर देता हूँ, एड्रेस ऑफ बी हम 104 ले लेते हैं यहाँ पे, और एड्रेस ऑफ सी यहाँ पे मैं 108 ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या दिया है, बी के अंदर दिया है, बी के अंदर यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए स्टोर करना है, तो बी के अंदर एड्रेस ऑफ ए क्या हो गया, 100, ठीक है। और सिमिलरली सी के अंदर एड्रेस ऑफ बी दिया है, यहाँ पे हमने सी के अंदर एड्रेस ऑफ बी, तो हम यहाँ पे 104 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि स्टार स्टार सी, तो स्टार स्टार सी के लिए दो बार जिगजैग होगा, तो हम कैसे करेंगे, 104 का एक जिगजैग, 100 का एक जिगजैग, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 10। इसको टर्मिनल से रन करेंगे, cd downloads, gcc से मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, pointers.c, ठीक है, डॉट आउट। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 इसका आउटपुट हुआ। सो इस तरीके से विजुअल स्टूडियो में भी आप इस पॉइंटर्स के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आई होप कि पॉइंटर्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और कौन से टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं और इजीली समझने हैं उसके बारे में कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर उस पर वीडियोज़ बनाऊंगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।